आज मैं बनाऊंगी निमकी। निमकी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 250 ग्राम मैदा ली हूँ। फिर मैं उसमें डाल दूंगी आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार से डाल दीजिएगा, किसी को नमक ज्यादा पसंद होता है निमकी में, किसी को बहुत हल्का। तो यहाँ पे आधा टीस्पून मैं मंगरेला डाल दी, आधा टीस्पून अजवाइन डाल दूंगी। अजवाइन को थोड़ा हाथों से मसल के डालूंगी, रब कर दूंगी ताकि अजवाइन का खुशबू निखर जाए। और थोड़ा सा मैं इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर दी, कस्तूरी मेथी को मैं मसल के डाल दी। और दो चम्मच मैं घी डाल दी, घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालूंगी, 3-4 चम्मच के करीबन। फिर इसे मैं अच्छे से मोयम करूंगी। इसमें थोड़ा सा मैं बेकिंग सोडा डाल दी, फिर मैं इसे मोयम कर दी। तो हाथ से रगड़ के अच्छे से मोयम कर लेना है। और थोड़ा सा मैं इसमें मिर्ची पाउडर डाल दूंगी, क्योंकि मिर्ची पाउडर डालने से थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है निमकी का, ऐसे निमकी सादा लगता है। फिर मैं इसे अच्छे से मोयम करके, तो मैं यहाँ पे आधा टीस्पून मिर्ची पाउडर डाल दी। आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे अवॉइड कर सकते हैं। बच्चों के लिए अगर बनाइए तो मिर्ची पाउडर अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसे मोयम कर लूंगी। तो 2-3 मिनट तक इसे हाथों से अच्छे से मसल करके मोयम करना है। अब हमारा मोयम हो चुका है। मोयम कैसे पता करें, तो ऐसे गोल गोल हाथ से जैसे ही आटा को बांधेंगे तो देख सकते हैं ये बिल्कुल खास्ता दिख रहा है। तो हमारा मोयम हो गया है। मैं इसमें पानी डाल करके अब आटा लगा करके रख दूंगी। आटा लगाने के बाद इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है रेस्ट के लिए, ताकि निमकी अच्छे से फूलेगा। तो हमारा यहाँ पे आटा लग गया है। अब मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में लोई बना करके रख दूंगी। लोई बना करके मैं इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। आधे घंटे के बाद मैं इसे रोटी की तरह बेल करके रख लूंगी। तो रोटी की तरह इसे बेलना है, रोटी की तरह, बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही बेल करके। देख सकते हैं ऐसे मैं बेल करके रेडी कर ली। फिर मैं इसे सीधा सीधा कट लगाऊंगी, और सीधा कट लगाने के बाद फिर मैं इसे तिरछा से कट लगा दूंगी, ताकि निमकी की तरह ये कट जाए। आप चाहे तो जिस भी शेप में काटना चाहते हैं वैसे काट सकते हैं इसे। तो ऐसे ही मैं कट करके सारा निमकी रेडी कर लूंगी और समेट के एक प्लेट में रख दूंगी। आप इसे कटिंग करने के लिए चम्मच के बैक साइड से कट कर सकते हैं, या फिर चाकू को उल्टे साइड से कट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रोलर था, तो मैं उसी से कट कर रही हूँ। तो ऐसे ही बारी बारी से मैं सारा निमकी बेल करके रेडी कर लेती हूँ। तो अब हमारा सारा निमकी बेल करके रेडी हो गया। कट करके रख ली सारा निमकी को। तो यहाँ पे मैं पैन को गर्म करने रख दी, गैस को ऑन कर दी, इसमें ऑयल डाल दी। ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो ऐसे ही निमकी छान करके, तो ऐसे ही मैं गर्म तेल में निमकी को छानना चालू कर दी। ऐसे छान छान करके सारा निमकी रख लूंगी। बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, क्योंकि ये निकालने के बाद भी पैन से थोड़ा सा गोल्डन हो जाता है, तो इसलिए इसे बिल्कुल लाइट छान के निकालना है, ताकि निकालने के बाद हल्का सा गोल्डन हो जाए। बहुत ज्यादा गोल्डन अगर पैन में करते हैं तो निकालने के बाद ये बिल्कुल काला हो जाएगा। तो इसे आप छान करके डब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं, काफी टाइम तक चलता है और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है नमकीन। तो ऐसे ही मैं बारी बारी से सारा निमकी छान करके रेडी कर लूंगी। तो यहाँ पे मेरा सारा निमकी छना करके अब रेडी हो गया है, ये मैं लास्ट डाली हूँ। अब
आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खास्ता हो रहा है निमकी में, बहुत ही अच्छा बन रहा है निमकी हमारा। ऐसा निमकी बना करके आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आपका निमकी कैसा बना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका निमकी कैसा बना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। मैं अभी आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी हुआ है निमकी। बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मैं ठंडा वाले को तोड़ के दिखाई। तो ऐसे ही निमकी बना करके आप स्टोर करके रख लें और फिर इसे स्नैक्स में खा सकते हैं चटनी के साथ, धनिया के चटनी के साथ मैं इसे सर्व की हूँ। तो आप भी इसे बना करके धनिया की चटनी या फिर कोई भी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं या सॉस के साथ इसे खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो आप भी ऐसा निमकी बना करके खाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को दबाइए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।